हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो हम टाइप्स ऑफ वायरिंग समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वायरिंग को किन किन फैक्टरों के आधार पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि इसे हम इंडस्ट्री के अंदर लगाएंगे कि होम के अंदर लगाएंगे, मीन्स घरों के अंदर लगाएंगे। तो मीन्स इसके आधार पे हम भी वायरिंग को डिवाइड करते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है सेफ्टी, मीन्स कि सुरक्षा के अनुसार भी हम वायरिंग को डिवाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे वायरिंग को लगाना है, इंटरनली रहेगा या एक्सटर्नल वायरिंग करेंगे, उसके अनुसार भी हम वायरिंग को डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस और कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में होता है कि हमें कितने बजट के अंदर वायरिंग को कराना है, तो उस चीज में देखा जाता है कि वायरिंग कौन सी हमें करनी है। फिर पांचवा आ जाता है एसेसिबिलिटी मीन्स कि ये होता है, एसेसिबिलिटी मीन्स कि सॉकेट को, प्लग को कितनी हाइट पर हमें लगाना है, तो ये सारी भी देख के हम वायरिंग के टाइप्स को डिवाइड करते हैं। और अगला पॉइंट आ जाता है मेंटेनेंस ओके मीन्स कि वायरिंग को इन फ्यूचर रिप्लेस करना हो या कोई रिपेयरिंग करनी हो वायरिंग के अंदर, रिपेयरिंग तो हम इजीली कर सके। इन सभी फैक्टरों को भी देख के हम वायरिंग को विभिन्न प्रकार में बांटते हैं। तो हम अब किन किन आधार पर वायरिंग को बांटते हैं तो समझ लिए, और इन में क्या क्या डिफरेंस है और कौन कौन सी वायरिंग होती है इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम क्रिट वायरिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली वायरिंग जो है क्रिट वायरिंग, दूसरी आती है हमारी बैटन वायरिंग और तीसरी आती है हमारी कंड्यूट वायरिंग एंड जो लास्ट है ये है केसिंग कैपिंग वायरिंग। तो इन वायरिंगों के, ये है क्रिट वायरिंग कंप्लीट हो गया। इन सारी वायरिंगों के हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। जो बैटन वायरिंग होती है, क्रिट वायरिंग जो होती है ये सबसे पुरानी विधि है और ये सबसे चीप होती है, मीन्स कि ये सबसे सस्ती होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमारा कंडक्टर हो गया, इन कंडक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं कि क्लिप आती है, इस क्लिप को केवल लगाए थे ऊपर से, इसलिए ये कंडक्टर, ये जो वायरिंग होती है सबसे चीप होती है। और अब हम बात कर रहे थे बैटन वायरिंग में क्या होती है कि हम लकड़ी के फलटे को पहले फिट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर से हम वायर को बिछाते हैं। तो ये होती है हमारी बैटन वायरिंग। ये जो होती है ये क्रिट वायरिंग से थोड़ी सी महंगी होती है, मीन्स की थोड़ी सी कॉस्टली होती है। और अब हम बात कर लेते हैं कंड्यूट वायरिंग की। तो ये वायरिंग जो होती है, सबसे पहले तो हम इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे, जो कि है पहली जो होती है वो होती है सरफेस
कंड्यूट वायरिंग। फिर दूसरी जो होती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। और जो तीसरी होती है वो सेमी कंसील्ड होती है, सेमी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग और सेमी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है। तो इन कंड्यूट वायरिंग में हम मैक्सिमम दो चीज़ का प्रयोग करते हैं, जो कि होता है पहला हम पीवीसी का प्रयोग करते हैं और दूसरा हम स्टील का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग कंड्यूट वायरिंग में किया जाता है, पीवीसी का है स्टील का। इन दोनों का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि हमें आरसीसी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम स्टील का प्रयोग कर लेते हैं या पीवीसी का प्रयोग कर लेते हैं। और मींस और जहाँ पे ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती है वहाँ पे स्टील का प्रयोग हम करते हैं। तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है कि जब भी हम कंड्यूट का प्रयोग करेंगे तो ये सरफेस के ऊपर से रहता है, और ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा इन दोनों के क्लीट वायरिंग और बैटन वायरिंग के तुलना में थोड़ा सा महंगा होता है। और जो कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग होती है ये सबसे महंगी वायरिंग होती है, क्योंकि इसे हमें वॉल के अंदर सरफेस के अंदर कैविटी बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद वायरिंग होती है। जो सेमी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, सेमी का यहाँ मतलब ये है कि जैसे कि हम स्लैब में पाइप को स्लैब के अंदर डाल दिए और जो सरफेस हो गया वॉल हो गया, वॉल को हम पाइप को वॉल के ऊपर से ला दिए, तो उसमें हम सेमी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग उसे बोलते हैं। तो इन तीनों को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैपिंग केसिंग वायरिंग के बारे में। तो जैसे कि कैपिंग केसिंग वायरिंग वो होती है कि जैसे कि हम एक प्लास्टिक के केसिंग को वॉल पे फिट कर दिए और इसके अंदर से हमारा जो वायर है वो चला जाता है, और ऊपर से एक हम कैप लगा देते हैं, उसे हम केसिंग कैपिंग वायरिंग कहते हैं। अब हम ये जो वायरिंग होती है ये इन दोनों से महंगी होती है, लेकिन जो कंड्यूट वायरिंग होती है उससे सस्ती होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा वायरिंग की लाइफ टाइम सबसे अधिक होती है। तो जो क्लीट वायरिंग होती है ये तो आउटर सरफेस पर होती है, इसकी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पान जो होती है वो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू ऑल वायरिंग, मीन्स की लेस लाइफ स्पान। और जो बैटन वायरिंग होती है इसमें इसकी तो लाइफ स्पान अधिक होती है, क्योंकि इसमें कंडक्टर सारे अंदर होते हैं, लाइफ स्पान अधिक होती है। और हम कंड्यूट वायरिंग की बात कर लें तो कंड्यूट वायरिंग में सबसे ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर और सबसे ज़्यादा लाइफ स्पान कंड्यूट वायरिंग के अंदर ही होती है, और कैपिंग केसिंग में भी लगभग इन दोनों के तुलना में लाइफ स्पान सही ही होती है। अब हम बात करेंगे कि इसके टाइम के बारे में, मीन्स कि किसको करने में कितनी टाइम हमको लग सकता है। तो इसको करने में सबसे कम टाइम लगता है, एंड बैटन वायरिंग में थोड़ी सी टाइम अधिक लगती है, क्योंकि इसमें जो लकड़ी के फलते होते हैं उसे लगाने के लिए थोड़ी सी टाइम लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कंड्यूट वायरिंग के अंदर होता है। और बैटन वायरिंग और कैपिंग केसिंग वायरिंग में लगभग सेम टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस
सबसे कम समय क्लिट वायरिंग में लगता है मेंटेनेंस के लिए, और बैटन वायरिंग में भी कंड्यूट वायरिंग से कम समय लगता है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लम होती है कंड्यूट वायरिंग में। कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है कि हमें फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कंड्यूट के अंदर होता है और उसके बाद से ये सरफेस के अंदर होता है। तो सबसे प्रॉब्लम होती है हमें इसमें क्या बोलते हैं कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में, और कैपिंग केसिंग में भी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें भी फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके जो कैप होते हैं इसको हटाया जा सकता है। इसलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ्टी फैक्टर किसका सबसे ज़्यादा होता है। सेफ्टी फैक्टर तो क्लीट वायरिंग की तो सेफ्टी फैक्टर बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये आउटर सरफेस पे लगा होता है। इससे मॉइस्चर और टेम्परेचर से काफ़ी इसको इफेक्ट पड़ सकता है, इसको काफ़ी इफेक्ट होता है। और बैटन वायरिंग में तो जीरो सेफ्टी फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें अगर आग भी लग जाए तो इजली आग पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बैटन वायरिंग तो सबसे कम इसमें सेफ्टी फैक्टर होता है, मीन्स कि ये सेफ्टी के मामले में सबसे लो है। अब हम बात करते हैं कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग जो होती है वो सबसे बढ़िया सेफ्टी फैक्टर जो होता है कंड्यूट वायरिंग में होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर, हर एक चीज़ से हमें सेफ्टी मिलती है। एसिड, इन सारे चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये सारा कंड्यूट के अंदर होता है। कंड्यूट के अंदर होने के बाद भी ये सरफेस के अंदर होता है कुछ कंडीशन में, जैसे सरफेस कंड्यूट वायरिंग जब हम कर रहे होते हैं तब। अब हम बात कर लेते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग की। केसिंग कैपिंग वायरिंग में सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है, क्योंकि ये भी सरफेस के ऊपर से ही हम करते हैं, तो इसमें भी लगभग सही रहता है, क्योंकि इसमें कंडक्टर अंदर होते हैं और ये कुछ मॉइस्चर को और कुछ क्या बोलते हैं एसिड को ये रोक सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।